8 जुलाई की वो घटना तो शायद आप सभी को याद होगी जो बरवाला के खेदड़ के अंदर हुई थी, जहां पर सभी किसान रेलवे ट्रैक जाम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में पुलिस ने अपने बैरिकेड्स अड़ा करके उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और उसी के दौरान जो है लाठी चार्ज तक का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आपको बता देते हैं कि जो ये मुठभेड़ हुई थी पुलिस और किसानों के बीच के अंदर, उसके अंदर ये सभी बैरिकेड्स लगा करके रोकने की कोशिशें की गई थी। लेकिन इसी बीच एक प्रदर्शनकारी किसान जिसका नाम धर्मवीर था, आपको बता दें धर्मपाल जिनका नाम था, माफ कीजिएगा, वो जो है शहीद हो गए। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि वो पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से शहीद हुए हैं, लेकिन लगातार आपको बता देते हैं कि ये भी कहा जा रहा था पुलिस की तरफ से, एसपी ने लाइव आकर के कहा था कि वो जो है ये लाठीचार्ज के दौरान बैरिकेड्स के ऊपर जो ट्रैक्टर चढ़ाया गया उसकी वजह से वो शहीद हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है खेदड़ के अंदर, तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि आज सुबह हम खेदड़ के अंदर मौजूद थे, जो ये सड़क के ऊपर आप लोग निशान देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेड्स और सीमेंट के ये बैरिकेड्स अड़ा करके पुलिस ने खेदड़ के अंदर आने के चारों रास्तों को जाम कर दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो है एक बार दोबारा से आपसी खींचतान की स्थिति पुलिस और किसानों के बीच के अंदर बन गई थी। उसके बाद आप लोगों को सारी जगह दिखाई भी दे रहा होगा कि बैरिकेड्स अब हजारों की संख्या के अंदर है, जिन्हें अब तहस महस कर मतलब तीतर बीतर कर दिया गया है साइड के अंदर, और नीचे सड़क के ऊपर निशान जो है बाकायदा दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर से घसीट करके किसानों ने खुद ये बैरिकेड्स साइड के अंदर लगाए हैं। हालांकि अब बात आती है जो धर्मपाल प्रदर्शनकारी किसान है जो मृत हो चुके हैं, जिनका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है, उनकी क्या स्थिति है। तो आज जो है ये हिसार के पास पड़ने वाले खेदड़ के अंदर एक स्टेडियम है जिसका नाम राम में शहीद राम मेहर स्टेडियम है, यहाँ पर उसका शव पूरे हजारों की संख्या के गाँव वासियों किसानों के साथ जो है स्टेज के ऊपर रखा गया है, और स्टेज के ऊपर आकर के सभी जो है उनके अंतिम संस्कार कराने के खिलाफ है, क्योंकि अभी जो है लगभग 4 से 5 दिन बाद शव को उठाया गया है। हालांकि और क्या स्थिति है वो किसान नेता रवि आजाद से पूछने की कोशिश करते हैं। रवि जी मुझे ये बताइए, अगर बात की जाए मृतक किसान धर्मपाल की, तो उनका शव आज आप इतने दिनों के बाद क्यों लेकर के आए हैं? देखिए, जब 8 जुलाई को पुलिस के हमले में, पुलिस के लाठी चार्ज में जी। सर में चोट लाठी लगने से धर्मपाल सारण जी की शहादत हुई जी। लेकिन हिसार के एसपी ने और प्रशासन ने अपनी खाल बचाने के लिए, आपको ध्यान होगा कि एक फर्जी वीडियो जारी किया था कि धर्मपाल सारण की मौत ट्रैक्टर, किसानों के ट्रैक्टर के नीचे आने से हुई है जी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हिसार के एसपी के मुंह पे करारा तमाचा मारने का काम किया है। उसके अंदर बिल्कुल ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनको जो है ब्लंट यानी कि हेड इंजरी से इनकी डेथ हुई है, कोई लाठी डंडा जो है वो सिर में लगा है और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, यानी कि वो अपनी खाल। क्या ये बकायदा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर है इनिशियल में, या फिर बात की जो एक पक्की रिपोर्ट आती है उसके अंदर आया है? वो पक्की रिपोर्ट है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो केवल बाद में विस्तार की रिपोर्ट आती है, पक्की रिपोर्ट की हम बात कर रहे। और राम राम जी, राम राम। हमने कोई डेड बॉडी लेने से मना नहीं किया, लेकिन आपको याद होगा कि जब 9 जुलाई को पोस्टमार्टम हुआ तो प्रशासन कंडीशन लगा करके हमारे ऊपर ये दबाव दे रहा था कि आप जो है पहले समझौता कीजिए, उसके बाद आपको शव सौंपेंगे। हमने कहा भाई शव जो है आप रखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक शहीद किसान 302 का फर्जी मुकदमा जो मेरे सहित 10 नामजद और 800 अन्यों पर हुआ, और उसी में हमारे 4 युवा साथियों को जेल में बंद कर रखा है, और 11 वो मांग जिसके लिए ये आंदोलन चल रहा था, 4 दौर की वार्ता भी हुई। अखबारों की खबरों की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है तो का मुकदमा किसके ऊपर दर्ज किया गया है? 302 का मुकदमा मेरे सहित 10-9 साथी जो है वो खेदड़ गांव के हैं, जिनमें से 4 भाई जो इन्होंने मौके पर गिरफ्तार किए थे, उनको इन्होंने टॉर्चर किया, उनको जेल में बंद कर रखा है हिसार की सेंटर 1 जेल में। अच्छा। सेंट्रल 1 में हम उनसे मिलकर के भी आए सारे साथियों से, और 800 अन्य के ऊपर। आप ये देखिए कि गाय की बात करना, गौशाला की बात करना,
लोकतंत्र की बात करना, शांति प्रिय प्रदर्शन की बात करना, हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार में इतना बड़ा पाप हो गया कि ऐसा तो कभी अंग्रेजों की सरकार ने भी अत्याचार नहीं किए होंगे जितना दमन की नीति जो है हरियाणा की सरकार अपना रही है। अगर बात की जाए जिन जिन को गिरफ्तार किया गया जिन किसानों को, तो वो क्या उस समय कर रहे थे जिस समय आप लोगों के और पुलिस के बीच के अंदर मुठभेड़ हो रही थी? उसी समय गिरफ्तारियां करी गई हैं 4 साथियों की और उसके बाद इन्होंने लगातार दबिश दी है। आप ये देखिए 4 दौर की हमारी वार्ता हुई है, 4 दौर की वार्ता में चर्चा तो सारी चलती है लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकलता है और वार्ता के नाम पर हमारा टाइम खराब करने का काम किया गया। जो सरकार ने यहाँ कमेटी बना करके भेजी उसने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन आप ये भी देख सकते हो लगातार कि ये लोग कितने अत्याचारी हैं। ये बैरिकेटिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप बता दीजिए। सुबह की अगर बात करें तो सुबह कितने बजे ये रास्ता जाम किया गया था और आप लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में क्या कुछ हुआ सुबह? देखिए रात को यहाँ जो है पुलिस गांव में तनाव का माहौल पैदा करने के लिए, कल आपको ध्यान होगा हजारों की संख्या में धर्मपाल सारण जी की शहादत को नमन करने के लिए एक कैंडल मार्च निकाला गया था। पुलिस बार बार दबिश दे करके और पुलिस गांव में एक तनाव का माहौल पैदा करना चाह रही, इसलिए बार बार वो गाड़ियां लेकर के यहाँ घूमते रहे। अच्छा। उसके बाद आप देखिए ये जो बैरिकेटिंग है रात को 11 बजे, जैसे दिल्ली का आंदोलन आपको याद था कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए इन्होंने सड़कों तक को खोद दिया था, वही पत्थर आपको फिर नजर आ रहे। खेदड़ गांव में जितने एंट्री के रास्ते हैं सब रास्तों पर पत्थर लगा दिए गए रात को 11 बजे के करीब, और यहां पर सारे हरियाणा की पुलिस के पास जितने बैरिकेटिंग है वो सारे खेदड़ मारे हैं पूरे गाँव को। आज सुबह हमने प्रशासन को ये बिल्कुल कह दिया था कि इनको हटा दीजिए नहीं तो बात बढ़ेगी, और बाद में जब प्रशासन ने नहीं हटाया तो हमारे किसान साथियों ने अपने ट्रैक्टरों से सारे रास्ते खोलने का काम किया। सड़क पर निशान आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ से ले जाए गए हैं। जी अगर आज महापंचायत की बात की जाए तो कौन कौन से गांव से आज महापंचायत के अंदर शामिल होने के लिए जनता आई है? देखिए हरियाणा के 22 जिलों से जो हमारे मुख्य साथी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, तमाम जो खापे हैं हरियाणा की उनके प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और गांव खेदड़ तो हर एक घर से यहाँ हाजिरी है। पूरा गुहांड सब जगह से बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण माताएं बहनें किसानों किसान और जो ये हमारे गोरक्षक भाई हैं या जो गौशालाओं का संचालन करते हैं ये यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। और अब हमारी क्योंकि हमारी वार्ता 11 तारीख को शाम को सरकार के साथ टूट गई थी जी। उसके बाद हमारी जो पूरी ताकत है वो आंदोलन पर लगी हुई है और आज की जो ये महापंचायत है इस महापंचायत में इस आंदोलन को पूरे हरियाणा में ले जाने के लिए हरियाणा के गांव-गांव कोने-कोने में आपने धर्मपाल किसान का पार्थिव शरीर यहाँ रखा हुआ है उसको अग्नि नहीं दी जा रही है, तो क्या क्या मांगे हैं, किस बिहाव के ऊपर आप उनको अग्नि देंगे? देखिए जो हमारा मुख्य जो पेच फंसा हुआ है, एक तो शहीद परिवार को धर्मपाल सारण जी के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद, एक सरकारी नौकरी, और जो 302 के पर्चे हमारे ऊपर फर्जी दर्ज किए हैं वो रद्द हों, और एक जो मुख्य मांग है 4 जो युवा साथी हैं जो अभी जेल में बंद हैं उनकी रिहाई, इन सारी मांगों को और जो ये राखी का पूरा मामला चल रहा है और गांव में जो बिजली पानी की जो व्यवस्था है, यहाँ पहले भी हादसा हुआ 4 भाइयों की मृत्यु हुई थी उनका कंपनसेशन, उनकी नौकरी भी बाकी है, ये करीब करीब हमने 7 मांगों को कमेटी में शॉर्ट लिस्ट करके और जो IAS IPS अधिकारियों की जो सरकार की चंडीगढ़ से कमेटी आई उसके सामने हमने मांगे रखी थी जिसपे किसी पे भी कोई सहमति नहीं बनी। ठीक है अगर अब अंतिम सवाल की बात करना चाहूंगी कि अगर आज की बात की जाए महापंचायत के अंदर राकेश टिकैत की आने की खबरें हैं, लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच के अंदर राकेश टिकैत यहाँ पहुंच सकते हैं, और इसके बाद सबसे बड़ा फैसला क्या लिया जाने वाला है? देखिए फैसला यही है कि गाय के सम्मान की लड़ाई है, गांव खेदड़ के सम्मान की लड़ाई है, और ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है और एक शहीद किसान के सम्मान की लड़ाई है। इसलिए आज यहाँ से जो महापंचायत है, महापंचायत में हजारों की संख्या में सब श्रद्धांजलि भी दे रहे शहीद धर्मपाल सारण जी को, और एक प्रदेश व्यापी आंदोलन की जो रणनीति है खट्टर सरकार के घुटने टिकवाने के लिए वो यहाँ से की जाएगी, इसकी जबरदस्त तैयारियां। आप देखिए कि जो हमने यहाँ टेंट लगाया था वो टेंट अब से पहले भर चुका है और अब टेंट को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि आज की महापंचायत
इनकी आंखें खुली की खुली रख देगा प्रशासन और सरकार की, इनको इनकी औकात बता देंगे आज कितनी है। ठीक है रवि आजादी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता देते हैं हजारों की संख्या के अंदर किसान और ग्रामीण वासी पड़ोसी गांव से समर्थन देने के लिए खेदड़ गांव के अंदर लगातार पहुंच रहे हैं। और अगर सूत्रों की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि पूरे हरियाणा की रोडों को जो है जाम किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, पूरे हरियाणा की रोड को जाम करने की कॉल दी जा सकती है। ये लगातार इस वक्त बड़ी खबर जो है खेदड़ महापंचायत से निकल कर के आ रही है। और आपको बता देते हैं कि अगर खेदड़ महापंचायत की बात करूं तो ये मामला आखिरकार शुरू कहां से हुआ था, तो ये मामला जो है आखिरकार शुरू तब हुआ था जब खेदड़ थर्मल पावर प्लांट की राखी यानी कि जो राख होती है उसको राखी कहा जाता है, उसको बेच करके गौशाला को दिया जाता था जिससे गौशाला खेदड़ की चलती थी। लेकिन अब एक फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, खेदड़ थर्मल प्लांट की तरफ से, कि अब वो राखी बाहर बेची जाएगी, जिसका जो भी पैसा होगा वो खुद रखेंगे। इसके खिलाफ के अंदर गौ माताओं की सुरक्षा के लिए सभी ग्रामीण वासियों ने पुलिस के साथ कहीं ना कहीं जो है हाथापाई हो गई। और उसके बाद जो है ये बहुत बड़ी महापंचायत का रूप जो है इस मामले ने ले लिया है। और इसके अंदर एक किसान धर्मपाल तक की जो है मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी उनका शव जो है इस खेदड़ थर्मल पावर प्लांट मामले के अंदर बड़ा ही उभर कर के आ रहे हैं, क्योंकि शव को जो है, जी हाँ, पार्थिव शरीर को जो है टेंट को बढ़ाया जा रहा है। कुछ ही समय के अंदर राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे की खबर क्या रहेगी और क्या बड़ा फैसला जो है इस बार राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच करके लेने वाले, क्या कुछ ही समय के अंदर पूरा हरियाणा जाम कर दिया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, पल टू पल की अपडेट खेदड़ मामले से जुड़ी हुई आपको देते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। नमस्कार।